बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये बिहार है और जब तक यहाँ पर मरोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। आदमी मरेगा तभी यहाँ के अधिकारी सुनते हैं। जी जी है, बनना चाहिए भैया, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भैया, इसमें आए दिन कुत्ते गिर जाते हैं, कुत्ते के बच्चे गिर के मर जाते हैं इसमें। हाँ, कल एक छोटा बच्चा गिर गया था, लेडीज लेके जा रही थी, गिर गया इसमें। इस जिले का, और ये जिले का नहीं, ये पूरे बिहार का हथुआ राज, और ये हथुआ बहुत चर्चित जगह है। बिहार के विकास में आज हमारी गाड़ी गिर गई और हमको दुख हुआ कि बिहार में इतना अच्छा विकास है कि बीच सड़क में पुलिया टूटी है और पुलिया का निर्माण विगत कई महीनों से नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है इस बिहार का और यहाँ के लोगों का कि ये नगर निगम के अंदर ये जगह आती है और इसका निर्माण अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन गाँव के लोगों ने यहाँ पर और यहाँ के कस्बे के लोगों ने ये डिब्बा रख दिया था ताकि आम आदमी को दिख जाए कि इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और आज हमारी जब गाड़ी इसमें गिरी तो हमें बड़ा दुख हुआ कि आखिर इस पुलिया का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चर्चित सड़क है और चलने वाली सड़क है, लोग इसके ऊपर से आते जाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के लोगों को ये नहीं दिखता है कि ये सड़क जो है टूटी है, ये पुलिया टूटी है और यहाँ पर आए दिन लोग चलते चलते गिर जाते हैं। आज मैं भी गिर गया तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं बिहार में आया तो कम से कम गिरा, तो मैं गिरा तो मेरे को दुख हुआ। तो यहाँ पर मैंने पूछा कि ये भैया पुलिया का निर्माण काहे नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों ने बताया, हमने कई बार पत्र दिया, कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। किसने ज्ञापन दिया था, क्या कहाँ के लोगों ने, कुछ बताएंगे क्या है चाचा? हाँ जी, निर्माण नहीं हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ के दुकानदार बताएंगे हम तो। अच्छा, इसके बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया? सूचित किया गया है। तो अभी भी काम नहीं हो रहा? नहीं, किसको सूचित किया? उधर सीओ साहब पहले थे, बीडीओ साहब थे, सब उन लोगों से दिखाएगा, थाना प्रभारी डेली का डेली देख रहे हैं कि आम जनता गिर रहा है, बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ये बिहार है और जब तक यहाँ पर मरोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं, और जब आप एक आध दो लोग इसमें मर जाएंगे गिर के, हाथ पर तुड़वा लेंगे, तो शायद से उनके कानों तक आवाज जाएगी, लेकिन उससे पहले आवाज नहीं जाएगी। और हमारी गाड़ी तो आज थोड़ा सा गिरी है, किसी दिन इसमें बहुत ही लोग गिर जाएंगे और मर जाएंगे, तब जाके प्रशासन के लोगों को और यहाँ के इससे संबंधित अधिकारियों को आवाज जाएगी। इधर सड़क ठीक है लेकिन इधर सड़क खराब है, इधर पुलिया टूटी है और रात में आते जाते ऐसे लोग गिरते हैं। क्यों भैया? आईटीआई मोड है। हाँ, ये आईटीआई मोड। कौन सा मोड है? आईटीआई गोपालगंज जिला का आईआईटी मोड है। हथुआ में आईटीआई मोड है। हथुआ प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध जगह, यहाँ पे चार रास्ता है, देखिए। जी जी, आप भी बताइए कौन सी जगह है ये? आईटीआई मोड है, नगर पंचायत में हो गया, तब देखिए क्या हालात है यहाँ का। हथुआ बनना चाहिए, नहीं बनना? बनना चाहिए। यहाँ के लोगों के साथ खेला जा रहा है, और क्या लगता है, बनना चाहिए भैया, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भैया, इसमें आए दिन कुत्ते गिर जाते हैं, कुत्ते के बच्चे गिर के मर जाते हैं इसमें। हाँ, कल एक छोटा बच्चा गिर गया था, लेडीज लेके जा रही थी, गिर गया इसमें। बचा है ना? बच गया वो, उनके लेकिन संबंधित अधिकारी को नहीं पता? किसी को पता नहीं है, यहाँ के दुकानदारों को ही सिर्फ पता है कि इससे क्या परेशानी होती है। मतलब गाड़ी, अगर बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी मोड़ोगे लेके गिर जाओगे, परेशानी होती है, लाइट नहीं है, गिर के मर जाओगे, मर जाएंगे और क्या। सबसे चर्चित जगह है, फेमस जगह है इस जिले का, और ये जिले का नहीं, ये पूरे बिहार का हथुआ राज, और ये हथुआ बहुत चर्चित जगह है। हम लोग यहाँ हर पिछले बार चुनाव में भी हम लोग इस रोड के लिए आवाज उठाए थे। ये मेन मार्केट है, ये चौराहा है, ये मेन मार्केट है, और यहाँ पे डेली जाम लगता है। बारिश के दिन में आप, बारिश के दिन में अगर आप आ जाएंगे तो पैदल यहाँ से इस मोड़ से उस मोड़ पे आप जा नहीं पाएंगे पैदल। पता नहीं कब ये विधानसभा इसी हथुआ के नाम से, हथुआ विधानसभा के नाम से, विधानसभा, यहाँ का ये स्थिति है, ये देख लीजिए, यही देखिए ना। मैंने कहा कि अभी तक इनके कानों में आवाज नहीं पहुंची है, तो शायद जैसे मैं वीडियो करूं तो पहुंच जाए। आखिर में इस सड़क बनेगा कब, इसका सवाल सबसे बड़ा है। कल मैं इसके ऊपर संबंधित अधिकारियों से पूछूंगा कि सड़किया काहे नहीं बनवा रहे हो, कोई मरवर जाएगा तो बनेगी सड़क है, काहे नहीं बन रही है? आज हम हादसे का शिकार हुए हैं, कल दो तीन गो और लोग होंगे, और जब मर जाएंगे तो आवाज जाएगा, बिना मरे नहीं जाएगा ना भैया? जी सर। आदमी मरेगा तभी यहाँ के अधिकारी सुनते हैं। जी जी। हे बिहार के नितेश बाबू जी, थोड़ा सा तो मैया सरस्वती इनको सद्बुद्धि दे दीजिए कि इनके विधायक भी नहीं सुनते, इनके कर्मचारी भी नहीं सुनते, इनके अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, सुनते काहे नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब मरेंगे तो ये सुनेंगे और दौड़ेंगे भी, अब मरेगा कोई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ पर मरेगा कौन,
हैं? ये देखिए ना, एक चाचा है, क्या हुआ बताएं जरा। क्या हुआ, हालात देख नहीं रहे हैं, मार्केट का हालात देखिए रहे हैं सब। बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाता होगा, बहुत बार चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। यहाँ से अरे हमारे नीतीश जी के खाली का प्रशासन के दारू के फेर का चक्कर है। कौन पिया है मुँह महको, कौन आ रहा है मुँह महको, रात दिन प्रशासन दारू के फेर में है। ये सब काम कोई नहीं नजर आता है, बस दारू 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 से विकास कर रहे हैं। दारू का बताया मैंने कि अभी मैं दारू वाली फैक्ट्री में भी गया था, चीनी मिल वाली फैक्ट्री में गया था। इन दोनों फैक्ट्रियों को अगर मिलों को खोल दिया जाएगा तो गोपालगंज वासियों का विकास दर तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको नहीं खोला जाएगा। कारण कि वो आमदनी का सबसे बड़ा अड्डा था, उसका दारू पीने वाले का अड्डा बना हुआ। आप अभी गए थे, देखे ना हर जगह दारू का बोतल, वो 8 PM जो यूपी में दारू मिलता है उसका पैकेट हर जगह देखे ना, वो शराबियों का और लफुओं का अड्डा बना हुआ है। लेकिन हम बात इसी की कर रहे थे, और ये बाढ़ के दिनों में और ज्यादा यहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। मैं इतना ही कहूंगा यहाँ के प्रशासन से कि त्वरित प्रभावी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम आपके ऑफिस में कल घुस के पूछेंगे, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।